9 टीवी न्यूज को स्वागतम। अभी अभी आरडीओ साहब, डीएसपी साहब, कमिश्नर साहब और हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ जो मीटिंग हुई, अधूनी शहर के जितने जिम्मेदार मुसलमान हजरात थे उसने अटेंड किया। उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन और एक आर्डर निकाला है। ये आर्डर मौजूदा हालात जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिसीशन लिया गया है पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन के लिए। इस आर्डर के तहत जो जितने मसाजिद कमेटी के जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, मैनेजमेंट कमेटी हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं या वहाँ के मुतलीस हैं, उन लोगों पे एक जिम्मेदारी, एक रिस्पांसिबिलिटी दी गई है। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी बाय दिस आर्डर ऑफ दोज पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द मास्क इन अधोनी टू इंश्योर दैट दिस आर्डर इम्प्लीमेंट लेटर ऑन स्पीड पे हो जाए। अगर नहीं होगा तो वो लोग जो मसाजिद के जिम्मेदार हजरात हैं वो रिस्पांसिबल ज़रूर होंगे। पहली बात यह है, ऐसे तो हमारे पास ईदगाह में नमाज नहीं होती, ओपन स्पेस पे नमाज नहीं होगी ईद की। साथ ही साथ 50 आदमी से ज़्यादा कोई मस्जिद में ईद की नमाज नहीं होगी। और दूसरा, कोई बिना मास्क पहने अगर वहाँ पर आ रहा है मस्जिद में, ये मस्जिद कमेटी के, मैनेजमेंट कमेटी की रिस्पांसिबिलिटी है कि उनको अलाउ नहीं करे। तीसरी बात, आदमी वजू वगैरह जो है अपने घर में ही करके आ जाए। साथ ही साथ जब नमाज को आएंगे तो नमाज की जो जानिमाज है वो भी अपने साथ लेके आ जाए और हाथों को सैनिटाइज कर दें। हो सका तो एक सैनिटाइज़र का छोटी सी बॉटल अपने पास रख लीजिए। जब कभी भी कोई ज़बरदस्ती से कोई हाथ मिल गया करा तो आप सैनिटाइज कर सकते हैं। और जब तमाम खतीब जितने हैं, इमाम जितने हैं मसाजिद के, उनसे गवर्नमेंट ने गुजारिश की है कि अपने ईद का खुतबा भी मुख्तसर कर दें ताकि ज़्यादा टाइम वहाँ लोगों को मिलने सके। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ मस्ट। ये मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है कि मसाजिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुतबा सुनते वक्त भी बैठेंगे और खुतबे के बाद, नमाज के बाद, जो नमाज के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सीनियर सिटीज़न जो भी हैं 60 से ऊपर, अल्लाह के लिए उन लोगों को वहाँ पे आइए नहीं, घर पे नमाज़ पढ़ लें। बच्चों को भी वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर मैनेजमेंट कमेटी के 4-5 वॉलंटियर्स वहाँ पे होने चाहिए, अगर कोई काफ या किसी को ज़ुकाम या कोई ऐसे कोरोना के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई कर दे, हाथ जोड़ के प्यार मोहब्बत से उनको घर पे भेज दीजिए। टेस्टिंग नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, नहीं करना है। ज़रा भी शक आ गया कि हु इज़ लाइकली टू बी इन्फेक्टेड इज़ काफिंग, उसका ज़ुकाम नोज बाहर आए या कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उनको बाहर कर दीजिए। और ख़ास तौर पर किसी से गले मत मिलिए, हाथ मत जाइए और ईद के अपने ग्रीटिंग्स करने के, मुबारकबाद देने के किसी के घर पे मत जाइए और ना किसी को घर को करिए। ये सब आपके इंटरेस्ट में मेरे भाइयों। हम लोगों को ये मौका मिला है, हमें अपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, हमारी इस कुर्बानी से आने वाले नसलों को महफूज रखना है, हमारी इस कुर्बानी से और इस गाइडलाइंस को करते हुए हमारे घर के, हमारे ख़ानदान के, आस पास के नेबर्स की, उनकी सेहत का ख्याल रखना है। हम किसी बीमारी फैलाने का ज़रिया न बने। कल के दिन हमारे ईद की नमाज के वायरस फहराई बोल के कभी के बात नहीं आनी चाहिए। हम लोगों को कॉपरेट करना है और अल्लाह ताला से दुआ करना है, हर मज़हब का, हर जमात का, हर फ़िरके के, अल्लाह उन तमाम को इस करोना से महफूज रख दे। या अल्लाह हमें अपने घर को इस तरह बना दीजिए कि हमें हॉस्पिटल जाना ना पड़े। या अल्लाह तू इस बार अगर हमारी मदद कर दे और इस बला से हमको टाल दे। अधोनी के बच्चे, बच्चे को, जवान बूढ़े जो भी हैं, हर कौम के, हर मज़हब के, उनको इस करोना से महफूज रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों।
ప్రశాంతమైన వాతావరణం జరుపుకోవాలని తెలియజేస్తుంటూ మీ అందరికీ ఈద్ ముబారక్, అలాగే రైతాన్ సమాకం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.